सो है वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है अपनी मुंबई सीरीज के एक नए दिन और एक नई जगह पे। तो आज से रमजान शुरू हुआ है, तो पहले ही दिन हम आए हैं मलंगगढ़। देख सकते हो मलंगगढ़ जो हाजी मलंग दरगाह है वहां पे हम जाने वाले। तो आज हम चलते अभी हम लोग चलते। तो जैसे आप थोड़ा आगे आ जाओगे ना, आपको यहाँ पे एक टिकट काउंटर दिया हुआ है जहाँ पे आपको 5 रुपए का टिकट निकालना पड़ता है। तो हम 4 जने, तो हम लोग ने 4 टिकट निकाल लिए, हमारे साथ 2 जने और हमारा कैमरामैन। तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे चढ़ने के लिए। यहाँ से आपका एक्चुअल जो ट्रेक है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बीच में आते समय बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, और एक स्कैम है जो जिसमें फंसना मत, वो बोलेंगे भाई हाथ मिला, हाथ हाथ जिस टाइम आपने हाथ मिलाया उस टाइम ये दोहरा मान देंगे और पैसा ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते अभी ऊपर, तो वो हाथ मिलाने मत जाना, ठीक है, ये याद रखना। चलो हाथ मिलाए, दुआ दुआ मिलेगी, दुआ मिलेगी। चलो जैसे आप आगे चले आओगे ना, अभी हमें होमकर की फैमिली मिल गई और चना देखे कितना भरा हुआ उसने मुंह में, यहाँ तक भरा हुआ है। तो ये जो काटी है ना, ये जो लाठी हम लोग ने ली हुई है, ये 10 रुपए की है, ठीक है, 10 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो ये ऊपर जाने के लिए तो है ही आपके लिए, लेकिन जो ऐसे बंदर आएंगे उनको भगाने के लिए है। तो जो 10 रुपए की लाठी है वो खरीद लेना, क्योंकि ऊपर जाने के बाद आपको काम आ जाएगी। अभी हम में मतलब ट्रेक शुरू करके अराउंड 10 मिनट्स हो गए, हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पे आने का एड्रेस बता देता हूँ। आपको कल्याण रेलवे स्टेशन उतरना है, फिर कल्याण वेस्ट की ओर से आपको बस मिल जाती है, गुरुदत्त होटल ना, गुरुदेव होटल, किसी को भी पूछ लेना बस स्टॉप, वहाँ से आपको 45 नंबर बस मिल जाती है, जो 20 रुपीज पर पर्सन आपको टिकट चार्ज करती है यहाँ पे छोड़ने के लिए। मलंगगढ़ बस स्टॉप करके एक बस स्टॉप है, वहाँ पे वो आपको छोड़ देती है। और जिस दरगे में आज हम जा रहे हैं उसका नाम है हजरत अब्दुल रहमान मलंग, हाँ ये मलंगगढ़ पे है। और जो मलंगगढ़ का जो दरगाह है वो काफी फेमस है, हमें बहुत सारे लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, मतलब ऊपर से भी नीचे जा रहे, तो वो एक दिन वहाँ पे स्टे करके आ रहे है। तो यहाँ पे अगर आपको आना है तो मॉर्निंग में ही शुरुआत करना, तब आप दोपहर तक यहाँ से निकल पाओगे। और यहाँ पे किसी को भी लेके मत आना साथ में, अगर उन्होंने टाइम पास किया तो आपकी पूरी रात वहाँ पे ही जाएगी, ठीक है। जो चल सके उनको ही लेके आना यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमारे साथ 2 जन है अभी, तो बात छोड़ दो और जो सूटेबल होगा आपको वही पहन के आना, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। और ये जो दरगाह है वो 300 साल पुराना दरगाह है, मतलब 17वीं सेंचुरी में इसका काम किया गया था दरगे का, ठीक है। और जो बाबा है वो 12वीं सेंचुरी में, मतलब वो जो सेंट है, सूफी सेंट थे, वो यहाँ पे 12वीं सेंचुरी में आए थे इंडिया में, अरेबिया से, साउथ अरेबिया समथिंग है, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं, आपको अगर जानकारी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो 3.5 किलोमीटर का है यहाँ से ऊपर तक का, 250 फीट हाइट है उसकी जो दरगे की। तो ऊपर से जो व्यू आता है ना काफ़ी सही आता है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अभी हम ऊपर चलते हैं और ऊपर मिलते हैं आपसे। हाँ बोलिए, कहाँ से आए आप? मुमरा साइड से। मुमरा साइड से यहाँ से, और कितना टाइम लगता है ऊपर जाने के लिए? ज़्यादा ज़्यादा 1.5-2 घंटे, 1.5-2 घंटे में ऊपर चले जाएंगे। तो अभी यहाँ से कितना दूर है वाला? अब तो अभी थोड़े दूर रह गया पहला, हाँ, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, आखिरी, हाँ, जो झंडा दिख रहा है, हाँ, यहाँ से नहीं दिख रहा है, हाँ वो दिख रहा, हाँ, है झंडा, वो देखो वो, हाँ जो ले रहा है झंडा, हाँ, वही है, हाँ हाँ। तो वहाँ तक तो टोटल कितने दरगाह यहाँ से अभी वहाँ ऊपर जाने तक? 3 दरगे, ठीक है। तो 3 दरगों में दर्शन करके जाना। अंकल अभी उम्र में आए, आपको थकावट नहीं लग रही है? हाँ 70 साल उम्र हो गया, 70 साल हो गया, आपने लकड़ी बिगड़ी लिया, पैसे चढ़ते बाबा है साथ में, तक चाय तक नहीं पिया हूँ, अभी लौटा हूँ तो नींबू पानी पिया हूँ, हाँ बोलो, चाय तक नहीं पिया, क्या बाबा का आशीर्वाद है। तो अभी अभी वापस आए आयो, मेरा पसीने छूट गए, इसको कहीं पे लेके नहीं जाना चाहिए, जो मैं बोला ना 2 जन है हमारे साथ यही है वो। सो अभी हम लोग ने जस्ट स्प्राइट परचेस किया है यहाँ से, स्प्राइट की प्राइस 60 रुपये, और होनी भी चाहिए क्योंकि ये जो है ऑलमोस्ट आधे पे आ गए हम लोग, अभी आधा घंटा ही ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और स्प्राइट का एक अच्छा है, मतलब उन लोगों ने कुछ पहने ही गया है मुझे, लेकिन आप जब भी ट्रैवल करोगे ना तो स्प्राइट पी लेना, रिफ्रेशमेंट अच्छा मिलता है। सो अभी हम लोग थोड़ा आगे ऊपर चल के आए हुए, अभी यहाँ से ऑलमोस्ट एक 20-25 मिनट्स का ट्रेक बाकी है। यहाँ से पहला जो दरगाह है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ये सामने। तो यहाँ से जो व्यू आ रहा है हमको, पूरा कल्याण सिटी जो है वो आपको दिख रहा है, कल्याण से अराउंड 15 किलोमीटर दूर है ये दरगाह, ठीक है। मतलब अभी ये जो मलंगगढ़ है उसके ऊपर हम लोग आए, और यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम होता है आप बारिश के मौसम में आओगे तो, कि ये पूरा पर्वत है इसके लिए यहाँ पे, वो बेस्ट रहता है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ये व्यू देख लेना,
क्या ही व्यू है। तो फाइनली हम लोग हमारा जो पहला दरगाह है वहाँ पे आ चुके थे, हम लोग दर्शन करके आए। मैंने आपको क्लिप जो दिखाया ना वो वही का ही था, ठीक है। तो दरगाह काफ़ी सही है और ये जो तावीज़ है वो उन्होंने बांधा है, तो ये मन्नत के लिए, मतलब अगर आपके मन में कोई श्रद्धा हो, मन्नत हो, तो वो मांग लेना आप बाबा के पास, आपकी वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हम लोग ने कवर कर लिया, अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको हाथ पैर धोने के लिए भी पानी दिया हुआ है, अगर आपको चादर चढ़ाना है, फूल भी चाहिए होगे तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। और ये मानने के लिए उन्होंने हमसे चार्ज किया 20 रुपीज़, और अंदर आपको दिए भी दिए गए हैं जो 10 रुपया देकर, अगर आपके मन में कुछ मन्नत मांग के आप आते हो यहाँ पे और दिया लगाना हो तो वो भी आपको अंदर मिल जाता है। लेकिन अभी अंदर जो है वीडियो निकालना अलाउड नहीं था, इसके लिए मैंने छोटा सा क्लिप लिया आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम लोग ऊपर की ओर। तो जैसे आप पहला दरगाह मतलब दर्शन लेके ऊपर आ जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे दुर्गा देवी माता का भी मंदिर है जो काफ़ी सही है, तो यहाँ पे भी आप विजिट देना, क्योंकि यहाँ पे आके आपको रिलैक्स फील होगा। प्लस यहाँ से जो व्यू आता है ना आपको, ये देखिए यहाँ से जो व्यू है काफ़ी सही है दोस्तों। और अभी हम लोग ने पूछा तो यहाँ से जो रास्ता है ना वो अभी सीधा सीधा है, यहाँ पे ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, और यहाँ पे शंकर भगवान की भी पिंडी है, तो आप यहाँ पे मस्ट विजिट करना जब आप दरगाह में आओगे। तो सी हमें क्या दिखा, घोरपड़, आपको दिख रही है घोरपड़, ये देखो भाग गई, ये क्या ही सही है। चलो अच्छा आओगे ना तो यहाँ पे तीसरा है वागेश्वरी देवी पुरातन मंदिर, तो ये टोटल पांचवा मंदिर है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी जाके जरूर आना, ठीक है। अभी हमें थोड़े लेट हो रहा है तो देवी को यहाँ से ही प्रणाम करके हम चल रहे ऊपर की ओर, ठीक है। चलो तो अभी तक हमें यहाँ पे 5 मंदिर भी मिल गए और 2 दरगाह मिल गए, तो टोटल 7 जगह ऐसी है जहाँ पे आप स्टॉप लेके दर्शन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अभी हम ऊपर चलते हैं। सो ऑलमोस्ट अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, तो ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। ये देखिए, अगर आप किस टाइम आ रहे हो ये वीडियो देखिए मुझे मालूम नहीं, तो ये जो है ये रोपवे, अभी यहाँ पे रोपवे का काम शुरू है, ठीक है। तो आप जब आओगे ऑलमोस्ट 1-2 साल के बाद, अगर आप यहाँ पे विजिट कर रहे हो, अभी हम लोग 2023 में विजिट करें मार्च महीने में, तो अगर आप 2 साल या फिर 1 साल के बाद विजिट कर रहे हो तो तब तक ये जो रोपवे है ना वो तब तक बना होगा। तो यहाँ पे जो चल के आने में आपको जो 2 दरगाह मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे दर्शन करने जा सकते हो। तो ये बेस्ट है जो ओल्ड एज रहते हैं ना जिनको चल के जाना होता है, बहुत सारे लोग मिले हमें जो रुक रुक के जा रहे थे, मतलब उम्र के हिसाब से नहीं जमता किस किस लोगों को, लेकिन फिर भी वो आते हैं, शाम तक आएंगे लेकिन आते हैं। यही जज्बा होना चाहिए जब भी आप किसी मतलब दर पे जा रहे हो भगवान के, ठीक है। तो चलो अभी हम चलते हैं वहाँ पे, फिर अंदर का भी दिखाते हैं आपको। चलो हाजी बख्तावर शाह, ये दूसरा हाजी सुल्तान बाबा। ओके, तो ये दूसरा है जो छोटा मिला था वो छिल्ला है रोज पाक का नीचे। ओके, ये दूसरी मंजार है। तो यहाँ पे दर्शन करके फिर ये बड़ी दरगाह हाजी मलंग बाबा की, उनकी बेटी की साथ में दोनों मंजार है, उसके बाद पीछे 5 होती। ओके, तो टोटल बहुत मानते हैं ना यहाँ की दरगाह। हाँ, तो माना हुई दरगाह है हाजी मलंग बाबा, मुंबई महाराष्ट्र में, भारत में सब जगह माना, जो मांगो वो मिलता है, हर चीज अच्छे अच्छे को मिला है। तो रमजान है ना इसमें, हाँ। रमजान का एक महीना शांत रहता है, ईद बासीद में खोल कर मिलेगा। अभी जो दूसरी सलामी है दरगाह में हम लोग दर्शन करके मतलब जाके आ चुके हैं दरगाह में जाके, दरगाह काफ़ी सही है और जो लाइटिंग की हुई है ना वो काफ़ी सही है। तो अभी जो रमज़ान शुरू है उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, जैसे वो भाई ने कहा हमें, ठीक है। तो आप जिस टाइम आएंगे, हम भी फ्राइडे के दिन आए थे, सोच के आए थे कि बहुत लोग आएंगे, वैसे लोग आए लेकिन जैसे हमेशा आते हैं वैसे नहीं आए, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे हमारे मेन दरगाह की ओर, ठीक है। चलो, जो मेन दरगाह है वहाँ से सिर्फ हम लोग 2 मिनट की डिस्टेंस पे, तो हमारे साथ भाई भाई आपका नाम करण नायर है, सुल्तान फ्लोर का ये दुकान है इनका, और यहाँ पे आपको रूम्स भी अवेलेबल है अगर आप आते हो तो। शाम के टाइम कोई आता है तो रुक सकता है यहाँ पे रूम में? हाँ, रुक सकता है, वन नाइट स्टे है। तो उसका चार्जेस कुछ है रूम का? चादर लेंगे तो रूम फ्री मिलता है, बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा। ओके, तो चादर के साथ अगर रहते हैं तो रूम, और कितने लोग रह सकते हैं, मतलब फैमिली कोई आती है? फैमिली रूम भी बना हुआ है नॉर्मल, अगर कपल्स रहना उनका भी है बना हुआ। ओके, तो वो सब है, तो उसका अलग अलग प्राइस रहेगा, वो आप जब यहाँ पे आओगे तो भाई मिल जाएंगे आपके ऊपर, जैसा बजट है आपका चादर के ऊपर।
तो चादर की सबसे तो चादर मतलब स्टार्टिंग क्या है यहाँ पे? वहाँ आपके ऊपर रहता है, हमने 551 रुपये हम लोग का बजट रहता है। ओके, ताकत इंसान को चलाता है वैसे उसके ऊपर। ओके, तो यहाँ पे आप आओगे तो रूम स्टे के लिए भी है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था। थैंक यू। सो जैसे आप थोड़ा आगे आ जाओगे ना आपको ऐसे शॉप से, तो अगर आप बच्चों को लेके आते हो साथ में तो देखिए यहाँ पे गाड़ी भी है, बाइक भी है और छोटे मोटे गाड़ियाँ भी है जहाँ पे बैठ के आप फोटो निकाल सकते हो। प्लस आपको बैकग्राउंड भी दिया गया है, यहाँ पे भी बैकग्राउंड है और यहाँ पे भी अलग अलग बैकग्राउंड है। तो ये सही बात है, अगर आप बच्चों को लेके आते हो तो मेमरीज के लिए फोटोज निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वो भी बेस्ट है आपके लिए। दोस्तों 4 घंटे बाद हम लोग ऊपर जाके नीचे आ चुके हैं, ठीक है। और ये जो मलंग दरगाह, हाजी मलंग दरगाह है, वहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए, काफ़ी सही है यहाँ पे विजिट करने के लिए। तो हम लोग घूम के आ चुके हैं और यहाँ से अभी जहाँ से हम लोग ने बस छोड़ा था वहाँ से बस हम लोग पकड़ रहे 45 नंबर बस है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कल और मेरे को कुछ बोलना है एक नए दिन और एक नई जगह में। अब बोलिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा मेरे को श्री से मिलके, बहुत मेहनत करता है ये बहुत ज्यादा, तो प्लीज सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, बहुत सपोर्ट करो इसको, क्योंकि बहुत आगे जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करता है ये एक वीडियो के लिए, वो आपको नहीं पता चलता है वो अलग बात है, पर बहुत मेहनत करता है, प्लीज सब्सक्राइब करो। थैंक यू। और आप वीडियो अंत तक देख रहे हो तो ऊपर रेंज नहीं है तो एक साथ 0-1 कट होने वाला, मुझे पता है मेरा भाई नहीं कटेगा।